ये सामान्य बातें थी कि जो विकास से ताल्लुक रखती थी, स्कूल के नामकरण से ताल्लुक रखती थी, अस्पताल के नामकरण से रखती थी, कोई सड़क से ताल्लुक रखती थी, उस पर राजस्थान की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने अठधर्मिता अपनाई, कोई पहल नहीं की, न कभी ये नियत दर्शाई कि वहाँ कोई सकारात्मक रूप से समाधान हो। ऐसे में गतिरोध पैदा होना स्वाभाविक था, लेकिन इसकी दोषी कोई है तो कांग्रेस पार्टी के वो तमाम नेता हैं। जब हम सब लोग उस समय अंतिम संस्कार में शामिल थे, इनके मंत्री शामिल थे, इन्होंने बड़े बड़े दावे किए और इनको समय रहते उसका निराकरण कर लेना चाहिए था। और मुझे लगता है कि खुद मुख्यमंत्री और इनकी सरकार दोषी है जो ठीक तरीके से न्याय नहीं दे पा रही। और उस पर जो सबसे बड़ा जो एक दंश है, जो एक कलंक है कि किस तरीके से हमारे बुजुर्ग सांसद को भी उन्होंने प्रताड़ित किया, और कल तब अति हो गई कि जब एक वंचित महिला सांसद को पुलिस के लोगों ने बदसलूकी की। तो राजस्थान में इस तरीके का कभी सिलसिला रहा नहीं है, और यदि इस तरीके की बात होती है तो प्रदेश के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और अभी भी समय है कि सरकार पहल करके इसमें कोई उचित निर्णय करे। एक तो सरकार ने पहले जब मुख्यमंत्री आए थे तब एक गाइडलाइन जारी की थी कि जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, उनको सम्मान देंगे, बाकायदा पूरी गाइडलाइन जारी की थी। अब यही आप आरोप लगा रहे हैं कि तोड़ रहे हैं, तो जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं मिल रहा। देखिए, न तो जनप्रतिनिधि सुरक्षित हैं, न आम लोग सुरक्षित हैं। जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने पुलिसिंग को कमज़ोर किया है, उसी का नतीजा है कि पुलिस केवल अशोक गहलोत जी के लिए जासूसी जरूर करती है लेकिन सुरक्षा का भरोसा नहीं दे सकती। और राजनीतिक तौर पर ऐसा कभी होता नहीं है, राजनीतिक पार्टी में पक्ष विपक्ष चलता है, सरकारें आती और जाती हैं, लेकिन नेताओं का मान सम्मान और मर्यादा रहती है, लेकिन इन्होंने मर्यादा का लंघन किया है। मानवेंद्र सिंह जसोल ने कल कहा कि केंद्र सरकार देगी नौकरी देना चाहे, नियमों में नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि पहले राज्य सरकार के ताल्लुक जो चीज़ें घोषणाएं हुई, कम से कम उसका तो खुलासा कर दें कि उन्होंने क्या घोषणा की थी, कितना उस पर कर दिया, ईमानदारी से वही बता दें।